सब्सक्राइब कीजिए ई हिंदी उर्दू चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को हमारे टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, ई हिंदी उर्दू चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपके विंडोज़ पीसी में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में जो है दोस्तों इमेज को कैसे मिरर करते हैं, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो इसके लिए मैं आपके लिए दो मेथड लेकर आया हूँ। जो फर्स्ट वाला जो मेथड है दोस्तों, आप अपनी इमेज को यहाँ पे इंसर्ट कीजिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और इमेज पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से जो है दोस्तों फॉर्मेट पिक्चर को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद राइट पैनल में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक रोटेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है दोस्तों 0 डिग्री पे सेट है। आप इसको क्या करना है, 180 डिग्री तक इसको आपको एक्सटेंड करना है। 180 डिग्री तक इसको एक्सटेंड कीजिए, आपकी इमेज जो है दोस्तों मिरर हो जाएगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड बहुत सिंपल, बहुत इजी है दोस्तों। जस्ट आप अपनी इमेज को सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं आप अपनी इमेज को रिसाइज जहाँ से करते हैं आप वहाँ पे होल्ड कीजिए माउस कर्सर से और इस तरीके से जो है दोस्तों इसको रोटेट कीजिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी इमेज जो है दोस्तों मिरर हो जाएगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इन दो मेथड से जो है दोस्तों आप इजीली आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में आपकी इमेज को जो है दोस्तों मिरर कर सकते हैं। ज़्यादा टिपिकल सेटिंग नहीं है दोस्तों, बट कुछ लोगों को पता ही नहीं रहता कि ये इस सेटिंग्स को इस तरीके से इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए इस तरह के शॉर्ट सिंपल वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ गया हो। अगर आ गया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। थैंक यू वेरी मच।